नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अननोन पाडवी। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ट्रिक के बारे में जानने वाले हैं जिसको यूज़ करके आप किसी भी ब्लूटूथ हेडसेट को एज ए वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हैं फॉर द वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ऑन द लैपटॉप। मैं लैपटॉप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप में इनबिल्ट फीचर होता है जिसके थ्रू आप किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आमतौर पर डेस्कटॉप पर नहीं पाया जाता। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं और डेस्कटॉप को ब्लूटूथ अनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ब्लूटूथ का एडेप्टर आपको परचेस करना पड़ेगा। आमतौर पर 300-400 रुपये तक का मिल जाता है अमेजन से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आप वायर्ड हेडफोन यूज़ कर रहे हैं और वायर्ड हेडफोन को एज अ माइक यूज़ करना चाहते हैं फॉर द वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इस चैनल में इस तरीके की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहेंगी। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो मैं लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्डर ना चला के मैंने अपने कैमरे से ही शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपको वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने ब्लूटूथ ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये ब्लूटूथ का हेडसेट है, इसको मैं सबसे पहले अपने लैपटॉप से कनेक्ट करूँगा। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे ब्लूटूथ करके, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस सेटिंग्स में आप जाओगे, वहाँ पे आप ब्लूटूथ को ऑन करोगे। ऑन करने के बाद हमें अपने जो भी ब्लूटूथ का ऑडियो डिवाइस है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए मैं सर्च करूँगा और जब ये सर्च कंप्लीट हो जाएगा तो सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा हमारे एंड पे। ये देखिए, मेरा जो डिवाइस है वो यहाँ पे सर्च हो चुका है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा। तो दोस्तों, जो भी हमारा ब्लूटूथ का ईयरफोन था वो हमारे एंड पे कनेक्ट हो चुका है हमारे लैपटॉप में। अब इसके बाद हमें यहाँ पे साउंड सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको साउंड्स का आइकन शो होगा, उस पर आप राइट क्लिक करिए और साउंड्स पे क्लिक करिए। साउंड्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग टैब में जाओगे। रिकॉर्डिंग टैब में अगर बाय डिफॉल्ट समटाइम्स क्या होता है, अब देखिए जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको दोनों में ही वेव नज़र आ रही है, मतलब ये हमारे लैपटॉप का जो इनबिल्ट स्पीकर है उससे भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है और हमारे हेडसेट से भी। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसके लिए मैं अपने जो लैपटॉप का स्पीकर है उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब जब भी मैं अपने एंड पे यहाँ पे बोलूँगा तो आपको वहाँ पे वेव नज़र आएगा। ये देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वेव नज़र आ रहा है। अब हमारा जो ब्लूटूथ हेडसेट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है फॉर द रिकॉर्डिंग एंड ऑडियो पर्पज़ के लिए। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो आप अपने ब्लूटूथ हेडसेट को एज ए वायरलेस माइक आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही बहुत छोटी सी ट्रिक थी जिसको आप यूज़ करके कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर या कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है दोस्तों, कोई भी चैलेंज फेस करते हैं कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जल्द से जल्द आपका जो भी इशू है उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।